हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शालिनी रेस्टोरेंट किचन। और मैं हूं आपकी फूडी फ्रेंड शालिनी, और लेकर आई हूं एक चटपटी चाट जो कि हमने बनाई है कच्चे केले से। आप इसको किसी गेस्ट के आने पर या फिर आपके यहाँ किटी पार्टी होती है तब भी आप इसको बना सकते हैं। पहले आप इसको बना के रख लीजिए और उसके बाद किटी के समय आप इसको फटाफट से सर्व कीजिए। तो इसको बनाना शुरू करने से पहले, अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए फटाफट से बनाना शुरू करते हैं। इसको बनाने के लिए हमने लिए हैं 2 कच्चे केले, और पहले कच्चे केलों को हम बीच से 2 पीस कर लेंगे इस तरीके से। और इसको प्रेशर कुकर में आधा ग्लास पानी डालकर 1 सीटी लेकर इसको उबाल लेंगे। और जब ये उबल जाएंगे तब हम इसके ऊपर की स्किन को इस तरह से छील कर हटा देंगे। सबको इसी तरह से छील लेंगे। जब सारे छिल जाएंगे तब इसको तो हम अलग रख लेंगे, और जो हमारे छिलके हैं इसको भी हम फेंकेंगे नहीं। इसके भी हम छोटे छोटे पीसेस करके हींग, जीरे, मिर्च और थोड़ी सी खटाई डालकर इसको भी हम भून लेंगे। अब केले के पीसेस को मैशर से अच्छे से मैश कर लें। इसको बाइंड करने के लिए इसमें थोड़ा सा हम डालेंगे सिंघाड़े का आटा, यानी 2 चम्मच सिंघाड़े का आटा। टेस्ट के अनुसार डालेंगे नमक और इसका टाइट डो बना लेंगे। इसमें हमें पानी का बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है, बस केले में ही आटे को अच्छे से मल लेना है। तो डो बनकर हमारा बिल्कुल तैयार हो गया है। आप देखेंगे कि इसको मैंने टाइट ही रखा है। अब मैंने लिए हैं 8 बादाम और 8 काजू, इन दोनों को बारीक कट कर लिया है, और लिया है 1 चम्मच नारियल का बुरादा। अब इन सब चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब आटे की छोटी छोटी गोलियाँ बना लेते हैं, जितनी बड़ी हमें गुजिया बनानी है इस तरीके से सबकी बना लेते हैं पहले लोई। अब एक प्लेन जगह पर मैंने रखी है ये पॉलीथिन, थोड़ा सा लगाएंगे रिफाइंड जो आप रत्न खाते हैं उसी का यूज़ करें। और नमक भी यहाँ पर सेंधा ही डालेंगे, हल्का सा प्रेस करेंगे और हाथ से इस तरह दबाकर इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे। इस तरह की हम एक टिक्की बनाते हैं। बहुत ज़्यादा इसको पतला नहीं करना है, किनार अगर थोड़ी सी फट रही है तो भी कोई बात नहीं है। अब इसको हटा देंगे ऊपर से पन्नी को, इसके बीच में रखेंगे स्टफिंग, किनारों पर हल्का सा पानी लगा देंगे ताकि ये चिपक जाए, और इसको फोल्ड कर देंगे, प्रेस कर देंगे। इस तरह से हमारी गुजिया तैयार हो जाएगी। पहले हम सब तैयार कर लेते हैं। सारी गुजिया मैंने पहले बना ली हैं। अब हम फलाहारी रिफाइंड को गर्म होने के लिए रख देंगे, और जैसे ही रिफाइंड गर्म होगा इसमें हम एक एक गुजिया डालकर फ्राई करेंगे जब तक ये क्रिस्पी नहीं हो जाती हैं। उलट पलट कर सारे किनारों से इसको फ्राई करेंगे। पहले एक साइड से तल लेते हैं, जब एक साइड से थोड़ी सी फ्राई होने लगेंगी तभी हम इसको पलट देंगे। सारी गुजियाँ उलट पलट कर मैंने अच्छे से फ्राई कर ली हैं। इसका कलर भी चेंज हो चुका है और बहुत क्रिस्पी हो चुकी हैं। तो गैस को अब हम ऑफ कर देंगे और इसको बाहर निकाल लेंगे। पहले गुजियों को प्लेट में हम सेट कर लेते हैं, और अब इसकी बनाएंगे चाट। तो चाट बनाने के लिए सबसे पहले हम डालेंगे सौंठ, जो कि है इमली की बनी हुई, इसको भी आप व्रत में खा सकते हैं। फ्रेश दही डालेंगे, एक चुटकी काली मिर्च। अगर आप व्रत में हरा धनिया खा लेते हैं तो आप उसकी चटनी बनाकर भी इस पर डाल सकते हैं। मेरे घर में नहीं खाते हैं तो मैंने इसमें नहीं डाला है। एक चुटकी डालेंगे गरम मसाला। हम चटपटी चाट बना रहे हैं तो उसमें डालेंगे थोड़ी सी लाल मिर्च, यानी एक चुटकी लाल मिर्च। थोड़े से छल्ले डालेंगे हरी मिर्च के, थोड़ा सा दही और डाल देते हैं। स्प्रिंकल करेंगे एक चुटकी नमक, और चाट बनकर हमारी तैयार हो गई है। बस इसको खाइए और खिलाइए। और अगर मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक का बटन ज़रूर दबाएं। थैंक यू।